आइए इधर आइए, पहले एक फोटो ले लेती हूँ आपकी। अरे फोटो लेना बाद में, आप आइए इधर। ओके, आप कहाँ रहती है? दिल्ली में ही है, वसंत विहार में रहते हैं। वसंत विहार, आप लोग साथी हैं? दिल्ली में है, हस्बैंड वाइफ हैं। क्या करते हैं आप? मैं आईटी में हूँ। अच्छा एक बार बताइए, केजरीवाल को जेल से जमानत मिल गई, आज बाहर आ जाएंगे, ये फैसला ठीक हुआ? बिल्कुल सही हुआ, मैं पूरी तरीके से केजरीवाल के साथ में हूँ और मुझे पता है उन्होंने जो काम करवाया और जिस तरीके से उस काम को अब हाइड किया जा रहा है, लोगों को नहीं नज़र आ रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं नज़र आ रहा। आप ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, एजुकेशन हो गई शिक्षा, और हॉस्पिटल में देख लीजिए जो उन्होंने खुलवाया था वो भी सरकार ने बंद करा दिया, जो खोला था क्या था वो, हाँ मोहल्ला, वो सारा उन्होंने ख़त्म करवा दिया। और जिस तरीके से अभी लास्ट ईयर जो वो इनको पता है वो जल का नहीं हुआ था, जल भराब हो गया था वो सारा जो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ने काम ठीक किया? बहुत बढ़िया किया और बहुत अच्छा किया। और जेल जो गए सर, वो तो नहीं, पॉलिटिक्स बाजी है उसके अंदर, तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि ये राइट है और ये सब बना रखे, मैनिपुलेशन कर रखे हैं। आपको किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, आपको मेरे को कभी कोई भी एलिगेशन लगा देंगे, कोई ना कोई नुक्ता तो निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा तभी हमको आपको। मैं तो किसी भी हालत में नहीं मान सकता कि इतना ट्रांसपेरेंट आदमी जो अपनी इतनी अच्छी एजुकेशन को छोड़ के आया हुआ है, वी आर ऑल्सो इन IT फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ बंदे की क्या मेंटेलिटी है, वो अपने परिवार को छोड़ के वो देश के लिए कुछ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को। ये बहुत ही गलत है कि मतलब इस ढंग से उसको इस सिचुएशन में ला के, इस मोड़ पे ला के जेल में बंद कर दो उसको, ये तो बिल्कुल गलत है, देश के लिए तो बहुत ही ख़राब है। मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ उसके लिए, बहुत सपोर्टिव है बंदा, हमने देखा है कि एजुकेशन में अगर वो कोई भी नारा दे देता है ना, आपको मैं पहली बार आया हूँ मैं न्यूज़ में, लेकिन मेरा ये है कि अगर जैसे उसने कह दिया कि मैं दिल्ली को झीलों वाला देश बनाऊंगा या बनाऊंगा, तो ये अपोजिशन वाले झील के नाम पे वो जो पिछली बार फ्लड करा था इन लोगों ने, वो सारा मैनिपुलेशन था, उन लोगों ने जानबूझ के फ्लड बनाया कि हाँ तुमने झीलों का देश बना दिया, हमने सारा का सारा जलमग्न कर दिया दिल्ली को। तो इस ढंग से ये सारे के सारे नारों को और हर चीज़ को ना नेगेटिव वे में ट्रांसपेरेंट कर देते हैं उसको। अच्छा अभी हमको लोग मिले थे, तो कुछ लोग, जनता की राय में लेता रहता हूँ, ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ, तो लोग कह रहे थे कि उन्होंने शराब एक पे एक कर दी, शराब में घोटाला कर दिया, उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। खैर ये तो कोर्ट का फैसला, वो बाहर आए और उनको चुनाव प्रचार के लिए अनुमति मिली है, परमिशन, तो आपको लगता है उनके बाहर आने से आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में फ़र्क आएगा, लोगों का उनके प्रति जुड़ाव ज़्यादा होगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी होगी, मतलब जो इंसान को पता है उनके काम के बारे में, चाहे वो जेल के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, लोगों में बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कोई फर्क आना चाहिए। काम बोलता है इंसान का, मैं तो ये मानता हूँ काम बोलता है इंसान का, उसके प्रचार की जरूरत ही नहीं। आप मोदी जी को देख लिए, 2 बजे उठते हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम 2 बजे उठते हैं, 2 बजे या 4 बजे जो भी कुछ कहते हैं लोग बाग, अगर उठते हैं तो उसके बाद करते क्या हैं वो? अगर वो प्रचार ही कर रहे हैं तो प्रचार करने के लिए थोड़ी किसी आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे रखा गया है, आपको काम के लिए रखा गया है ना। वो तो कह रहे हैं हमने जो काम गरीबों के लिए 10 साल में कर दिया, किसने किया? सर मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा गरीबों के लिए कुछ काम किया, मेरे को तो किसी भी हालत में नहीं लगता कोई भी ऐसा कुछ सपोर्ट किया हो। चलिए आप लोग रुके, इसका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत फ़ैन हूँ आपका, मैं बहुत फॉलो करता हूँ आपको। अरे आपको आज दूर से देख के मेरे को लगा मैं आज जरूर मुलाकात होगी। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हां मां कुछ बोल रही हो? अरे कोई नहीं सपोर्ट करता, सारे एक ही जैसे हैं। कोई भी नहीं करता। ये केजरीवाल मोदी में कौन ठीक है? मेरे लिए तो मैंने ना मोदी से कुछ खाया, ना योगी से खाया, ना इससे केजरीवाल से, सारे एक ही हैं बेटा, सारे एक ही भलाई करते बेचारे, बहुत अकेली जान, मोदी क्या कर लेगा, योगी क्या कर लेगा, केजरीवाल लोग कहते बसें फ्री हैं, स्कूल फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, इसकी तारीफ करते ही हो। किसकी? केजरीवाल की तो, पानी फ्री देता है, बिजली फ्री देता है।